हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको इस वीडियो के ज़रिए बताने वाला हूँ मेलामेट क्रीम के बारे में। दोस्तों, मैं मेलामेट क्रीम की आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो में और आपको बताऊंगा कि मेलामेट क्या करती है। तो स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंग्रेडिएंट्स इनसाइड में। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नया कॉस्मेटिक प्रोडक्ट मार्केट में आए तो आपको उसके बारे में जानकारी सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं और समझते हैं मेलामेट क्रीम के बारे में। दोस्तों, मेलामेट क्रीम पहले समझते हैं कि क्या करती है। तो सवाल हमारे दिमाग में क्या क्या है दोस्तों, कि क्या मेलामेट क्रीम सेफ़ है, क्या मेलामेट क्रीम के रिजल्ट्स भी हैं कि ये फ़ेक है, क्या ये काम करेगी, क्या ये फ़ेक है, क्या आपके स्किन में जाके ये क्या करती है, क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं इसके दोस्तों, कैसे ये यूज़ करते हैं और डरने की ज़रूरत है क्या हमको। अभी ये सवाल आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहे होंगे, लेकिन इस वीडियो के एंड तक दोस्तों मैं आपको 100% बोलता हूँ कि आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि मेलामेट क्रीम क्या करती है और यूज़ करनी भी है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, मेलामेट क्रीम क्या करती है और क्या दावा करती है पहले ये समझते हैं दोस्तों। मेलामेट क्रीम दोस्तों स्किन लाइटनिंग करती है, मतलब रंगत निखारती है, पिगमेंटेशन मतलब दाग धब्बे झुर्रियाँ हटाती है दोस्तों, और डार्क स्पॉट्स हटाती है दोस्तों, दाग धब्बे हटाती है, काले झुर्रियाँ काले धब्बे मेलाज्मा निकालती है दोस्तों, और एक्ने स्पॉट्स और एक्ने सास कील मुहासे के जो निशान रह जाते हैं दोस्तों, कील मुहासों के निशान रह जाते हैं, वो मेलामेट क्रीम निकालने का दावा करती है दोस्तों। तो दोस्तों अब समझते हैं कि मेलामेट क्रीम बनती किससे है, क्या दवाइयां हैं जो मेलामेट क्रीम को दोस्तों बनाते हैं। दोस्तों मेलामेट क्रीम में तीन दवाइयां होती हैं दोस्तों, तीन बेसिक दवाइयां मेलामेट क्रीम को बनाती हैं। अब वो तीनों दवाइयां मिलके जो मेलामेट क्रीम को बनाती हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तीन दवाइयों के नाम है दोस्तों। पहली दवाई का नाम है हाइड्रोक्विनोन, जी हाँ दोस्तों हाइड्रोक्विनोन है। दूसरे का नाम है ट्रेटिनोइन, और दोस्तों तीसरे का नाम है मोमेटाजोन फ्यूरोइड। तो इसको हम नंबर दे देते हैं, हाइड्रोक्विनोन को नंबर वन, ट्रेटिनोइन को नंबर टू और मोमेटाजोन को नंबर थ्री। दोस्तों पहले हाइड्रोक्विनोन को समझते हैं कि हाइड्रोक्विनोन क्या करता है। आपको हाइड्रोक्विनोन क्या करता है, कैसे करता है समझाने के लिए मुझे चमड़ी बनानी पड़ेगी, चमड़ी का फिगर बनाना पड़ेगा। दोस्तों ये जो आप फिगर सामने देख रहे हैं ये एक्चुअली हमारी चमड़ी है, या हमारी चमड़ी रहती है, लेकिन आपको ऐसे दिखाई नहीं देती है, लेकिन अगर हम गहराई से देखेंगे, गौर से माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो चमड़ी ऐसे ही रहती है। तो दोस्तों सबसे ऊपर की आप देख रहे हैं कि तीन परतों में चमड़ी बनी हुई है दोस्तों। सबसे ऊपर की जो परत रहती है वो है नॉर्मल चमड़ी जो आप देख सकते हैं ऊपर की। उसके नीचे पाइप में काले काले दाने दिख रहे होंगे दोस्तों, उसको कहते हैं मेलानिन, मेलानिन बोलते हैं दोस्तों। और उसके नीचे गोल सा मोटा सा एक काला धब्बा है दोस्तों, उसको कहते हैं मेलानोसाइट। दोस्तों मेलानोसाइट का यहाँ पर बहुत काम रहता है दोस्तों, मेलानोसाइट दोस्तों मेलानिन को बनाता है। तो दोस्तों मेलानिन जब बन के ऊपर जाता है ना दोस्तों, तो काला धब्बे देख रहे हैं आप ऊपर की ओर जा रहे हैं दोस्तों, चमड़ी की ओर जा रहे हैं। मेलानोसाइट मेलानिन को बनाता है और मेलानिन देखिए ऊपर जा रहे हैं। तो दोस्तों मेलानिन जितना आपने ज्यादा होगा दोस्तों, उतना ही आप ज्यादा काले दिखेंगे। लेकिन दोस्तों देखिए, मेलानिन जितना घटेगा, मेलानोसाइट जितना मेलानिन कम बनाएगा दोस्तों, आप उतने ही ज्यादा गोरे दिखेंगे। तो आप सोच रहे होंगे अब कि हाइड्रोक्विनोन इसमें क्या करता है। भाई हाइड्रोक्विनोन का इसमें क्या काम, हम समझ गए मेलानिन ज्यादा तो काला, मेलानिन कम तो गोरा। तो इसके लिए फिर से मुझे वही स्किन बनानी पड़ेगी, वही चमड़ी का फोटो देख रहे हैं आप अपने सामने, वही ऊपर चमड़ी है, नीचे मेलानोसाइट है, काला गोला देखिए मेलानिन बना रहा है, काले धब्बे मेलानिन है, मेलानिन ज्यादा है ऊपर देखिए तो चमड़ी काली लग रही है। आप देख सकते हैं मेलानोसाइट मेलानिन बना रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है, लेकिन ये देखिए दोस्तों एक ब्लू कलर का बैंड दिख रहा है जिसने मेलानिन को रोका हुआ है चमड़ी पे जाने के लिए, वो ट्यूब पे लगा हुआ है दोस्तों, वही है हाइड्रोक्विनोन। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोक्विनोन क्या करता है, मेलानिन को चमड़ी पे जाने से रोकता है। देखिए ऊपर जाने से मेलानिन ऊपर जाना चाहता है, लेकिन हाइड्रोक्विनोन उसको रोक रहा है दोस्तों, तो ये काम करता है हाइड्रोक्विनोन। तो दोस्तों अब तो हम समझ गए कि हाइड्रोक्विनोन कम्प्लीटली सेफ है और कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट देने वाला कुछ ये कंटेंट नहीं है, दवाई ऐसे कुछ ज़्यादा साइड इफेक्ट आपको देती नहीं है। तो दोस्तों प्रॉब्लम क्या है, दोस्तों हाइड्रोक्विनोन काफ़ी सेफ रहता है, इसके ना के बराबर साइड इफेक्ट है और नहीं है साइड इफेक्ट उसके। अब समझते हैं ट्रेटिनोइन क्या करता है दोस्तों। ट्रेटिनोइन दोस्तों विटामिन ए से बनता है, विटामिन ए से ट्रेटिनोइन बनता है,
और क्योंकि विटामिन ए से ट्रेटिनोइन बनता है, ट्रेटिनोइन एक विटामिन है, तो विटामिन काफी हद तक सेफ हो जाता है दोस्तों। लेकिन ये करता क्या है, काफी हद तक सेफ है और लेकिन करता क्या है, क्या करता है, आइए समझते हैं। उसके लिए फिर से मुझे वही वैसे ही चमड़ी बनानी पड़ेगी। तो दोस्तों जो आप गुलाबी एरिया देख रहे हैं, गुलाबी रंग का एरिया देख रहे हैं, ये है फ्रेश चमड़ी, हेल्दी चमड़ी जो नीचे रहती है दोस्तों, ताजी चमड़ी बोलते हैं इसको, जो नीचे रहती है, गोरी चिट्टी चमड़ी जिसमें मेलानिन नहीं लगा हुआ होता है, वो नीचे रहती है दोस्तों ताजी चमड़ी। और ये जूनी चमड़ी ऊपर की ओर देख रहे हैं, जिसपे ये जूनी चमड़ी रहती है, जिसपे कील, मुहासे, दाग धब्बों के निशान, पिंपल्स के निशान, एक्ने के निशान, मेलास्मा के निशान, लाल निशान, ये सब जूनी चमड़ी में रहते हैं। ये देखिए लाल निशान, ये सब जूनी चमड़ी में रहते हैं। और जूनी चमड़ी ऊपर का परत रहती है जो हमको दिखाई देती है, और जिसपे आपको लगता है कि काफी निशान है, कालापन है, और वो है उसके ऊपर की दो परतें दोस्तों धूल और पसीने की होती है दोस्तों। पसीना भी चमड़ी में रहता ही है और धूल भी चमड़ी में रहती ही है। तो जैसे ही ऐसी चमड़ी पे आपने ट्रेटिनोइन लगाया, ट्रेटिनोइन ऐसी क्रीम जिसमें ट्रेटिनोइन है, जैसे ही आपने ऐसी चमड़ी में ये ट्रेटिनोइन वाली क्रीम लगाई, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ऊपर की तीन परतें आप गायब हो चुकी हैं। ऊपर की जो तीन परतें थी, पसीने की, धूल की और जूनी चमड़ी की, परत गायब हो चुकी है और अब एक हेल्दी चमड़ी आ चुकी है, अच्छी चमड़ी आ चुकी है। और जो ताजी चमड़ी है, जो गोरी चमड़ी है, वो ऊपर की ओर आ चुकी है। तो इसलिए ट्रेटिनॉइन ने क्या कर दिया कि जूनी चमड़ी और पसीने की परत को उखाड़ दिया, निकाल दिया। ये काम करती है दोस्तों ट्रेटिनॉइन। तो दोस्तों ट्रेटिनॉइन सेफ है या नहीं, तो देखिए दोस्तों ट्रेटिनॉइन काफी हद तक सेफ है, लेकिन थोड़ी सी दोस्तों थोड़ी सी अनसेफ है। अब आप बोलेंगे विटामिन है तो भी अनसेफ है दोस्तों। ये स्किन को ना एक्सफोलिएट करती है, स्किन की चमड़ी ऊपर की उखाड़ती है ना, जूनी चमड़ी उखाड़ती है। तो इससे क्या होता है ना दोस्तों, ये देखिए चमड़ी का रूखापन आ जाता है, चमड़ी रूखी हो जाती है, चमड़ी ड्राई हो जाती है, सूखी हो जाती है दोस्तों, रूखापन आ जाता है चमड़ी में। लेकिन हम इसको ठीक कर सकते हैं, हम इसको ड्राइनेस को, रूखेपन को ठीक कर सकते हैं। अच्छे से अच्छा मॉइस्चराइजर लगा सकते हैं, क्रीम लगा सकते हैं, चमड़ी रूखी हो जाए मॉइस्चराइजर लगाइए, क्रीम लगाइए। अगर आप ऐसा सब कुछ करते हैं तो फिर ट्रेटिनोइन जो मेलामेट में जाता है वो भी आपके लिए कंप्लीटली सेफ है और अच्छा है, और आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं देगा दोस्तों ट्रेटिनोइन भी। अब दूसरा कंटेंट समझते हैं, मोमेटाजोन फ्यूरेट। दोस्तों दोस्तों मोमेटाजोन फ्यूरेट को समझने के लिए आपको एक बात बता दूं दोस्तों, मोमेटाजोन फ्यूरेट एक स्टेरॉइड है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों आप स्टेरॉइड वर्ड सुन के थोड़ा स्टेरॉइड एक अच्छी चीज भी होती है और स्टेरॉइड बुरी चीज भी होती है, लेकिन आप अब टेंशन में आ गए होंगे कि अरे बाप रे तो एक स्टेरॉइड है। लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, मोमेटाजोन फ्यूरेट बर्फीला स्टेरॉइड है। बर्फीला स्टेरॉइड मतलब क्या, ये जैसे ही आप लगाते हैं ना तो आपकी स्किन को ठंडा करता है दोस्तों, स्किन को ठंडक देता है, ठंडकार देता है। इससे आपको ऐसा लगता है कि आपने चमड़ी में बर्फ लगाया है। इससे क्या होता है ना दोस्तों, चमड़ी लाल लाल दिखती है और भले पिंपल्स ना हो, एक्ने ना हो, कील मुहासे ना हो, चमड़ी लाल दिखती है, सूजी हुई लगती है, लाल लाल धब्बे दिखते हैं, लाल लाल दाग दिखते हैं। तो ये मोमेटाजोन फ्यूरेट काफी हद तक कम कर देता है और इसके ना के बराबर साइड इफेक्ट होते हैं, और आजकल डर्मेटोलॉजिस्ट और डॉक्टर इसका इस्तेमाल भी बहुत करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि मेलामेट क्रीम सेफ है या अनसेफ है। देखिए दोस्तों मेलामेट क्रीम सेफ है या अनसेफ है, ये सेफ है लेकिन जो प्रिकॉशंस लेंगे उनके लिए। प्रिकॉशंस मतलब क्या, मेलामेट क्रीम लगाने के बाद आप टाइम टू टाइम अच्छा सनस्क्रीन लगाएंगे, बाहर निकलने से पहले सनस्क्रीन लगाएंगे, 3 घंटे में सनस्क्रीन लगाएंगे, कहीं भी जाने से पहले आप धूप में सनस्क्रीन लगाएंगे, तो ये आपके लिए काफी हद तक सेफ है। अगर मेलामेट क्रीम आपका स्किन ड्राई भी कर देती है तो आप टाइम टू टाइम मॉइस्चराइजर्स लगाएंगे, मॉइस्चराइज रखेंगे, स्किन को ड्राई नहीं होने देंगे, तो भी मेलामेट क्रीम काफी हद तक आपके लिए सेफ है। मेलामेट क्रीम अनसेफ किन लोगों के लिए है दोस्तों, जिनकी स्किन ऑलरेडी ड्राई है दोस्तों, जिनकी स्किन बहुत ड्राई है मेलामेट क्रीम उनके लिए अनसेफ है। और जो अपने स्किन का ख्याल नहीं रखते हैं, कहीं भी निकल जाते हैं धूप में मेलामेट लगाने के बाद, सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं और ध्यान नहीं रखते हैं, तो उनके लिए मेलामेट क्रीम कंप्लीटली अनसेफ है। मेलामेट क्रीम के साइड इफेक्ट दोस्तों, मेलामेट क्रीम आपको अगर आप ध्यान नहीं देंगे, अगर आप लगाएंगे ऐसे ही कुछ भी करेंगे, तो फिर मेलामेट क्रीम आपको ओक्रोनोसिस दे सकती है और रीपिगमेंटेशन, पिगमेंटेशन वापस आ जाएगा, जो आपने हटाया था दाग धब्बे वापस आ जाएंगे। रिजल्ट्स के बारे में बात की जाए अब दोस्तों, तो रिजल्ट्स मेलामेट क्रीम के 100% है और मेलामेट क्रीम आपको 100% रिजल्ट देती है, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो वो कहती है वो करती है। मेलामेट क्रीम को इस्तेमाल कैसे करना है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, मेलामेट क्रीम आपको सिर्फ रात के समय इस्तेमाल करना है,
फेस वॉश करना है रात को आपको, और सोते समय आपको मेलामेट क्रीम लगा लेना है दोस्तों, बस इतना ही करना है। मेलामेट क्रीम लगाने के बाद सुबह आपको उठते ही फेस वॉश कर लेना है, और ये आपका मिनिमम 3 महीने तक आपको ये प्रोसीजर जारी रखना है। तो ये हो गया दोस्तों मेलामेट क्रीम की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है इस वीडियो में, कि कैसे इस्तेमाल होगी, क्या रिजल्ट है, सेफ है या अनसेफ है, ये सब आपके हाथ में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो दोस्तों, और प्लीज़ और वीडियो समझने के लिए, देखने के लिए, इंग्रेडिएंट्स इनसाइड हर प्रोडक्ट के बारे में, अंदर क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या करते हैं, प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और एक लाइक बटन दबा दीजिए। क्यों नहीं दोस्तों, लाइक किसको नहीं अच्छा लगता, हमको और अच्छा लगता है कि हम आपके लिए और करें और आपको और बताएं वीडियोज़ के बारे में। थैंक यू दोस्तों।